हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी लोगों का मेरे चैनल लर्न एट होम, घर पर सीखो पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बोलने जा रही हूँ बच्चों में अच्छी आदतें कैसे सिखाएं या बच्चों को अच्छी आदतें कैसे सिखाएं। तो सबसे पहली अच्छी आदत होती है बच्चों के लिए कि बच्चों को सुबह में जल्दी उठना सिखाएं, जैसे कि सूर्य उदय होने से पहले बच्चों को उठ जाना चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चे तो दिन भर के लिए एनर्जाइज हो जाते हैं और सूर्य की जो अच्छी रोशनी होती है ना सुबह की, उसमें उनको वो भी मिलती है। तो एक सबसे अच्छी आदत होती है, बच्चे जब सुबह से उठते हैं तो बाकी की आदतें ऑटोमेटिक अच्छी होने लगती है। तो सबसे पहली आदत यही है कि हमें बच्चों को सुबह में जल्दी उठाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो दूसरी जो अच्छी आदत है बच्चों में उठने के बाद सुबह, उनको ब्रशिंग जरूर कराएं और ब्रशिंग के साथ साथ मतलब टंग क्लीनिंग भी सिखाएं, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना ब्रश तो कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम उनको बोलते हैं कि भाई आपने चॉकलेट्स खाई हैं तो ब्रश तो करना ही करना है, उसके साथ साथ में जो टंग क्लीनिंग है वो भी ज़रूर सिखाएं, क्योंकि यदि आप टंग क्लीन नहीं करते तो बहुत सारी बीमारियाँ भी वहाँ से पैदा होती हैं। तो एक ये भी अच्छी आदत बनाना चाहिए बच्चों को। तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अब डिस्कस कर रही हूँ तीसरी अच्छी आदत जो बच्चों में ज़रूर जगाएं या ज़रूर उत्पन्न करें, डेली बाथिंग। मतलब डेली बच्चों को नहाना चाहिए, डेली बच्चों को स्नान करना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चे फ्रेश हो जाते हैं पूरे दिन भर के लिए। जो बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो तो सुबह में ज़रूर ही नहा लें, और छोटे बच्चों को भी धीरे धीरे मतलब आदत पैदा करें उनको सुबह में नहाने की। और उससे क्या होता है कि ना पूरी जो बॉडी है उनकी अच्छे से मतलब साफ हो जाती है, वो एक फ्रेश फील आता है बच्चों को। तो ज़रूर नहाने की अच्छी आदत जो है वो ज़रूर उत्पन्न करें छोटे से ही बच्चों में। और सिर्फ पानी से नहीं नहलाएं, अच्छे कोई साबुन से नहलाएं, या फिर यदि आप साबुन यूज नहीं कर रहे हैं छोटे बच्चे हैं तो उनको बेसन का जो लेप होता है उससे लगा सकते हैं, या फिर उनमें डिटॉल्स वगैरह यदि आपको लगता है कभी कभी डिटॉल भी डालना चाहिए, तो उस तरीके से हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी आदत सिखा सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ बच्चों की जो चौथी अच्छी आदत होती है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को आप किस तरीके से कपड़े पहना रहे हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। नहाने के बाद बच्चों को अच्छे धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए, और जो एक होता है ना कि यदि कोशिश करें कि यदि स्कूल जा रहे हैं तो आयरनिंग यूनिफॉर्म ही पहनाएं, मतलब आयरन करके या इस्त्री करके जो हम बोलते हैं ना यूनिफॉर्म को पहनाना चाहिए। उससे भी बच्चों को एक अच्छा फील आता है कि हाँ नाउ आई एम फीलिंग गुड एंड अच्छे दिखते हैं बच्चे। और स्कूल जाने समय तो बच्चों को ज़रूर ही आप आयरन वाले कपड़े पहनाएं, यदि कोशिश करना चाहिए, यदि नहीं हो पा रहा है तो ठीक है आप धुले कपड़े तो एटलीस्ट पहना ही सकते हैं। तो उससे बच्चों को एक फ्रेशनेस आती है और बॉडी में जर्म्स भी नहीं लगते कि यदि धुले कपड़े पहनेंगे तो। हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ जो पांचवी अच्छी आदत है बच्चों में, वो है कि जब वो बच्चे नहा धो लें और अच्छे कपड़े पहन लें तो उसके बाद में उनको पूजा ज़रूर करना सिखाएं। और पूजा के साथ साथ मतलब घर में जितने भी बड़े लोग हैं उनको प्रणाम करना या उनके पैर छूना ज़रूर सिखाएं, और जैसे कि सूर्य को नमस्कार करना, तुलसी के लिए पानी डालना, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना वो अच्छी आदतें होती हैं। तो हमें ये सब चीज़ें ज़रूर सिखाना चाहिए, और बच्चों में एक पॉजिटिविटी आती है पूजा करने के बाद में, और उनको एक अच्छा फील आता है, और सारे ही पेरेंट्स का आशीर्वाद मिल जाता है, अपने टीचरों का आशीर्वाद ले लेना चाहिए उनको स्कूल जाने, यदि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो टीचर्स को प्रणाम करें या गुड मॉर्निंग विश करें, जहाँ पर जैसा भी सिस्टम है उस हिसाब से उनको ज़रूर हमें ट्रेंड्स करना चाहिए कि मतलब सीखें। और जब भी बड़ों से बात करें, यदि आप फ़ोन पर उनसे बात करवा रहे हैं तो प्रणाम ज़रूर बोलें। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने पांच अच्छी आदतें तो डिस्कस कर ली हैं, अब मैं बढ़ती हूँ छठवीं अच्छी आदत के बारे में। छठवीं जो अच्छी आदत होती है ना बच्चों को, हमें एक हेल्दी ब्रेकफास्ट या एक अच्छा नाश्ता ज़रूर खिलाना चाहिए,
नाश्ता उनको यदि अच्छा मिलता है, जैसे कि उनके साथ हमें ये एक कोई भी आप घर में जो बनाते हैं, जैसे पोहा हो गया, उपमा हो गया, पूड़ी हो गया, जो भी आप बनाते हैं साउथ इंडियन में, आप डोसा है, इडली है, कोई भी एक अच्छी चीज़ आप घर में फ्रेश बना के दें उनको, और उसके साथ साथ में ना बच्चों को फ्रूट्स ज़रूर दें, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। और यदि आप फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं बच्चे, तो उनको जूस बना के भी दे सकते हैं, या कोई भी अच्छी जो प्रोटीन जैसे दूध बच्चों को दें सुबह जब वो नाश्ता करते हैं, तो उसके साथ में दूध भी दे सकते हैं। कुछ एक आप टाइम टेबल फॉलो कर लें, जिससे कि क्या होता है उनको एक पूरा वीक में ना, कभी आपने दूध दे दिया, कभी आपने उनको जूस दे दिया, कभी आपने उनके साथ फ्रूट्स दे दिया, तो इस तरीके से क्या होता है कि उनको पूरा का पूरा अच्छी हेल्दी ब्रेकफास्ट उनको मिल जाता है, और एक पूरे दिन के लिए उनको ना एक हेल्दी ब्रेकफास्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से हमारा माइंड चलता है। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट ज़रूर कराएं बच्चों को स्कूल जाने से पहले, और यदि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और थोड़ा सा उन्होंने कम खाया है घर में, तो एक अच्छा नाश्ता उनके लिए स्कूल के लिए ज़रूर पैक करें। तो फ्रेंड्स, सातवीं अच्छी आदत है कि बच्चों के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट ज़रूर खिलाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं डिस्कस करती हूँ सातवीं अच्छी आदत, जो कि बच्चों को हमें ज़रूर सिखाना चाहिए। जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना, मतलब स्कूल में तो बहुत अच्छी कुछ आदतें सीखते ही हैं, लेकिन जब वो घर आते हैं ना, तो अपनी जो ड्रेस है या अपने जो बैग हैं स्कूल के, या जूते चप्पल हैं या सॉक्स हैं, उनको एक सही जगह पे रखें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, आने के बाद स्कूल से कहीं बैग फेंक दिया, कहीं ड्रेस फेंक दी, कहीं जूते चप्पल फेंक दिए, तो उससे जो है घर पूरा अनव्यवस्थित हो जाता है, और मतलब दिक्कत होने लगती है घर में, और चीज़ें सही जगह पर नहीं रहने से ना। तो अभी हम छोटे से ही बच्चों को ट्रेंड करेंगे, तो वो अच्छी आदत सीख जाएंगे कि बच्चों घर में चीज़ों को व्यवस्थित करना है। और इसके साथ साथ यदि उनको बाद में और ये भी सिखाएं, यदि घर में कोई चीज़ नहीं सही जगह पर रखी है, तो उसको सही जगह पर ज़रूर रखना सिखाएं। तो सातवीं अच्छी आदत है बच्चों को व्यवस्थित करना सिखाएं। हाँ तो फ्रेंड्स, जो आठवीं अच्छी आदत है ना, वो बच्चों को ना एक्सरसाइज ज़रूर कराएं, मतलब उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़रूर इन्वॉल्व करें। जैसे कि बच्चे शाम को आते हैं घर, तो उनको पार्क लेके जाएं, या फिर उनको घर में ही योगा करने के लिए बोलें, मेडिटेशन करने के लिए बोलें, तो उससे क्या होता है ना, बच्चे पूरा जो फिजिकली फिट हो जाते हैं। और यदि मान लो आप बारिश हो रही और बच्चे कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो घर में ही उनको कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ के गेम दे दें, जिससे कि क्या होता है ना, बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं। कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराएं उनके लिए, जैसे कि फुटबॉल खेलें उनके साथ में, या क्रिकेट खेलें, या फिर यदि आप नहीं टाइम दे पा रहे हैं, तो एक टीम बना दें बच्चों को मोहल्ले में ही अपने, तो उससे क्या होता है बच्चे टीम में भी खेलना सीखते हैं, और उनको एक बोलना चाहिए ना, जो टीम मेट भावना होती है ना, कि कैसे बच्चों के दूसरे बच्चों के साथ कैसे खेलना है, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो अच्छी आदतें हैं, जो मैंने ये आठवीं अच्छी आदत बोली है ना, उसके बारे में ज़रूर ध्यान रखें, और बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़रूर इन्वॉल्व करें, और अच्छे से अच्छे एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करें। नौवीं अच्छी आदत के बारे में, मतलब नौवीं अच्छी आदत क्या है ना, यदि बच्चे छोटे हैं और बच्चे मतलब खुद से नहीं खा पाते, उस स्टेज में ना बच्चों को पेरेंट्स के साथ बैठ के खाना खाना चाहिए। और यदि बच्चे थोड़े बड़े भी हैं ना, तो रात में एक अच्छी आदत बनाएं आप, कि सारे घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मम्मी पापा बच्चे, और यदि ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ में रहते हैं, तो सबके साथ में बैठ के मतलब डिनर ज़रूर करें। उससे क्या होता है कि जो आपकी होल डे की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि आज आपने क्या किया, आज आपने क्या अच्छा सीखा, या आज आपने क्या दूसरों को अच्छा सिखाया, इस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं, और एक फैमिली की जो बॉन्डिंग होती है ना, वो बनी रहती है हमेशा। तो नौवीं अच्छी आदत है कि फैमिली के साथ अपना समय बिताएं, यदि डिनर करते समय एटलीस्ट। अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ दसवीं अच्छी आदत के बारे में। दसवीं अच्छी आदत जो है ना, बच्चों को समय से सोना सिखाएं, और समय से सोना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि बच्चे समय से सोएंगे, तो वो समय से उठेंगे भी, तो पहली भी अच्छी आदत बन जाएगी उनकी, और जो लास्ट की अच्छी आदत है ना, वो भी ज़रूर सिखाएं। और अभी तो मैंने 10 अच्छी आदतों को चुना है,
और भी बहुत अच्छी आदतें हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।